आज का हमारा टॉपिक है कि हम फेसबुक के अंदर कैटलॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चले आए बगैर टाइम जाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है उसको ओपन करेंगे। ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन हो गया। देन हम इस पे अपना बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ये हमने बिजनेस अकाउंट अपना सिलेक्ट कर लिया। देन हम ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ई कॉमर्स मैनेजर है, कॉमर्स मैनेजर या ई कॉमर्स मैनेजर, इस पे क्लिक करेंगे। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये सबसे डाउन पे यहाँ पे भी आता है कॉमर्स मैनेजर। हम कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऐड कैटलॉग, कुछ कैटलॉग्स मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। हम स्क्रैच से इसको एक कैटलॉग बनानी सीखेंगे। ऐड कैटलॉग करेंगे और ये हमारे पास सामने इसकी 4 ऑप्शन आ जाएंगी कि आप कौन सी कैटलॉग बनाना चाहते हैं। ई कॉमर्स कैटलॉग बनाना चाहते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड या ऑटो से रिलेटेड। हम ये सारी बारी बारी जो है ना ये सारी कैटलॉग बनाएंगे। ई कॉमर्स कैटलॉग हमारी रिलेटेड होती है, हमारा कोई भी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन शॉपिफाई पे स्टोर है तो हम उसकी प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाना चाहते हैं, या हम कोई मोबाइल का बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम सेल करते हैं और ऑनलाइन उसको सेल करते हैं, तो उसकी कैटलॉग बनाने के लिए हम ई कॉमर्स कैटलॉग जो है वो यूज करेंगे। देन ट्रेवल है, ट्रेवल के अंदर लाइक अगर आपको कोई होटल का बिजनेस है, ठीक है, आप उसकी कैटलॉग बनाना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। ट्रेवल के अंदर सेकंड आ जाता है फ्लाइट, आप कोई फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, इस तरह के किसी का किस्म का भी कोई ट्रेवल से रिलेटेड है तो आप उसकी कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन आ जाता है डेस्टिनेशन, ट्रेवल के अंदर थर्ड जो है वो डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन से मुराद आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारी थर्ड कैटेगरी आती है रियल एस्टेट, आपका प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस है, आपकी हाउसिंग सोसाइटी है तो आप उसकी एक कैटलॉग बनाना चाहते हैं, वो रियल एस्टेट के अंदर आप बना सकते हैं। आप कोई ओपन प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आप उसकी प्लॉटिंग की हुई आपने ओपन प्रॉपर्टी की, उनकी प्लॉटिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी एक कैटलॉग बना सकते हैं। देन हमारी कैटलॉग के अंदर जो फोर्थ कैटेगरी है वो ऑटोज से है, व्हीकल से रिलेटेड है, आप अपनी व्हीकल से रिलेटेड गाड़ियों की यहाँ पे कैटलॉग बना सकते हैं। क्या ये इसकी 4 ऑप्शन है, 4 टाइप्स है फेसबुक कैटलॉग। हम चारों पे काम करेंगे। सबसे पहले हम ई कॉमर्स जो कैटलॉग है वो हम बनाएंगे। हम ये ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया, देन वो कह रहा है अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, एड योर आइटम्स मैन्युअली और इन बल्क और यूज योर मेटा पिक्सल। देन सेकंड वन इज कनेक्टेड पार्टनर प्लेटफॉर्म, हम ये इस पे ही काम करेंगे। अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, नीचे आएगा कैटलॉग ऑनर नेम, ऑब्वियसली ये हमेशा आपका जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है ये यहाँ पे वो आएगा। अब आप इस पर कैटलॉग नेम रखेंगे, कैटलॉग प्रोडक्ट हम इसको कह लेते हैं डेमो 1 और क्रिएट कर देते हैं। ये जी हमारी कैटलॉग क्रिएट होगी। कैटलॉग क्रिएट होने के बाद ये हमारे पास उसका जो हमने फर्स्ट कैटलॉग क्रिएट किया है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा, आइटम्स आ जाएगा और फर्दर ये इसकी सारी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एड आइटम करेंगे। अब यहाँ पे एड आइटम है हमारे पास मैनुअल फीड, मैनुअल है, डेटा फीड है, पार्टनर प्लेटफॉर्म है एंड पिक्सल है। हम सबसे पहले मैनुअल से करेंगे, मैनुअल पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे सबसे पहले अपना इमेज एड करें। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और अब वो कह रहा है कि 500x500 का जो इमेज है वो आप अपनी कैटलॉग के अंदर ऐड करें। इस चीज को कंसिडर कीजिएगा, वो ज्यादा ध्यान कीजिएगा कि आपकी इमेज का साइज 500x500 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देन मैं यहाँ से एक इमेज ऐड करूंगा। यहाँ पे चला जाऊंगा जी मैं अपने ड्रॉप शिपिंग, देन दिस वन, ये एक इमेज जो है ये मैं ऐड करूंगा। ये मैंने इमेज एक बनाया हुआ था, लाइक मेरे स्टोर के अंदर ये इमेज है, उसी को वहां से मैंने पिक करके यहाँ पे ले आया। फिर इसको सेव किया, ये सेव हो गया। अब वो कह रहा है उसका टाइटल दें। टाइटल हम कैसे देंगे, हम जाएंगे अपने स्टोर पे, ये मेरा स्टोर है, ये इसका मैंने टाइटल यहाँ से कॉपी किया और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब आगे वो कह रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन, देन अगेन हम अपने स्टोर पे जाएंगे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जी, इसकी डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करेंगे और इसको डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट लिंक जो है वो भी हम अपने स्टोर का दे सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे www.youbuyforme, आपका जो भी वेबसाइट का लिंक होगा वो यहाँ पे देंगे। ये मैंने लिंक दे दिया। अब इसको फर्दर हम आगे लेके जाते हैं। अब वो यहाँ से हमसे प्राइस पूछ रहा है, मैंने अपने स्टोर पे इसकी प्राइस 1200 रखी हुई है तो यहाँ भी मैं इसको 1200 ही लिखूंगा, 1200। अब इसकी हम सेल प्राइस देंगे, ये ऑप्शनल है, ये अभी तक हमने जितने काम किए थे ये रिक्वायर्ड थे, ये ऑप्शनल है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आप दे भी सकते हैं इसकी, चलें यहाँ पे प्राइस दे देते हैं 1100। देन नेक्स्ट है जी आप इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करें, हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शनल है, यहाँ से हम कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिटर्न भी सर्च कर सकते हैं। हम लिखेंगे क्लोथिंग, या गया बेबी क्लोथिंग
और फर्दर इसको नीचे लेके आते हैं अदर बेबी क्लोथिंग, गर्ल्स क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, ये हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे कंडीशन हमारी न्यू है, ओके न्यू कंडीशन सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको फर्दर आगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अवेलेबल इन स्टॉक है, स्टेटस एक्टिव है। अब ब्रांड ब्रांड यहाँ पे देना चाहे तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते इट्स ओके। नेक्स्ट है कॉन्टेंट आईडी, ये भी छोड़ दें, ये ऑप्शनल है, बाकी सारी चीजें ये हम इनको स्किप भी कर सकते हैं, देन अपलोड आइटम करेंगे। अब ये इसको हमारी जो पहली प्रोडक्ट है हमारी कैटलॉग के अंदर उसको अपलोड कर रहा है, लेट्स सी देखते हैं ये कोई एरर तो नहीं देगा। ले जी हमारी पहली प्रोडक्ट जो है ये हमारी कैटलॉग के अंदर ऐड होगी। अब हम अपने बिजनेस मैनेजर को यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसको रीओपन करेंगे। ये हमने इसको यहाँ से क्लोज किया, दोबारा से बिजनेस मैनेजर के मेन पे आ गए और अब दोबारा हम देखेंगे कि हमारी कैटलॉग हम कैसे इसको मॉनिटर कर सकते हैं। दोबारा कॉमर्स सी मैनेजर पे गए और यहाँ से सॉरी सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट, सिलेक्ट किया, देन वी विल गो ऑन ई कॉमर्स और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये है हमारी डेमो कैटलॉग हमने बनाई, ठीक है, और ये हम आइटम्स पे जाएंगे और ये हमारी आइटम, इस तरह हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हम सबसे पहले नीचे जाके वो कैटलॉग को ओपन करेंगे, फिर हमारी वो कैटलॉग की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट डालना चाहते हैं तो हम दोबारा से एड आइटम में जाएंगे और मैनुअल में जाएंगे और यहाँ से दोबारा से हम सारी अपनी यहाँ पे दोबारा से वही प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। हम एक टाइम में एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे, न्यू आइटम्स, यहाँ पे 5 आइटम करेंगे तो ये 5 शो कर देगा। मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि कैटलॉग से रिलेटेड जो एक बिगनर है उसके लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये हमारा मैनुअल मेथड था, अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ये हम एड आइटम पे क्लिक करेंगे और ये डेटा फीड, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, डेटा फीड के थ्रू हम करेंगे और यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे। इसको इसने टेम्पलेट दिया है कि आप टेम्पलेट सबसे पहले देखें कि कौन सा टेम्पलेट यूज होगा जिसके थ्रू आप कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकेंगे। हम सबसे पहले फेसबुक ने जो टेम्पलेट दिया हुआ है हम उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड टेम्पलेट इस पे क्लिक करेंगे। अब तीन ऑप्शन है, एक्सेल एक्सवी में आप किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे या सीएसवी में, किसी में भी कर लें, या आप कस्टम टेम्पलेट बनाएंगे। हम कस्टम टेम्पलेट को भी लेटर देखेंगे, अभी हम उसे सीएस या किसमें कहते हैं इसमें हमारा टेम्पलेट वो डाउनलोड करे। ये उसने जी हमारा टेम्पलेट डाउनलोड कर दिया, हम देखते हैं ये टेम्पलेट कैसा है। ये है जी हमारा टेम्पलेट, ये जितने भी कॉलम में उसने हैशटैग दिए हुए हैं दे आर रिक्वायर्ड, दिस वन ये यहाँ तक जी, ये सारे जिसने हैशटैग के साथ इसने रिक्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ तक, ये कंपलसरी है। ये आपने जब भी अपनी कोई फाइल बनानी है तो उसके अंदर आपने ये कंपलसरी इनको फिल करना है, आगे जितने हैं ये सारे ऑप्शनल है, ठीक है जी। इसको हम कर लेंगे सेव, ये सेव हो गया। हम आए यहाँ पे हमने क्लिक किया और अपनी जो फाइल है उसको हमने सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी कैटलॉग प्रोडक्ट फाइल थी, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम सिंपल इसको ये आ गया जी, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये वो कह रहा है कि नेम, ये हमने वही डेमो वन रखा है, डिफॉल्ट करेंसी यूएस डॉलर, इट्स ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं, पाक रुपीज कर सकते हैं, इंडियन कर सकते हैं, जिस कंट्री से भी है, या आप इंटरनेशनल यूएस डॉलर रखना चाहते हैं तो यूएस डॉलर रख लें। हमने यूएस डॉलर रखा है इसको और अपलोड कर दिया, ये अब इसको अपडेट कर रहे हैं। चलें जी इसको अपडेट करने दें, ये देखें जी उसने उसको अपलोड करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ये आ जाएगा ब्लू फेसबुक टी शर्ट्स, क्या इस तरह से हमारे पास मीन्स के हम डेटा फीड के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। अब डेटा फीड में ये तो फेसबुक ने हमें ऑप्शन दी हुई थी कि उसने एक पिक्चर अपनी अपलोड की हुई थी, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जब हम अपना एक एक्सेल की शीट तैयार करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके इमेज लिंक कहाँ से लेके आएंगे, तो चलें उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको समझने के लिए हम दोबारा से अपना डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, हम इसको उसी में सीएसवी फाइल में हमने टेम्पलेट को डाउनलोड किया, अब हम देखेंगे ये हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। एक्चुअली अब हम देखेंगे कि ये तो फेसबुक का फॉर्मेट है, अगर हम इस टोटल वर्किंग अपनी करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखिएगा, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है। ये हमारा स्टोर है, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपनी उस डाटा शीट के अंदर लेके आएंगे और फिर उसको हम अपने फेसबुक कैटलॉग के अंदर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और ये कॉपी इमेज एड्रेस इसको क्लिक करेंगे, हम अपने डेटा फीड के अंदर चलेंगे। ये दो तीन चीजें चेंज करने वाली हैं जो टेक्निकल है, ये आ गया जी इमेज रिक्वायर्ड, ये इमेज लिंक है, इसको हमने चेंज करना है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए जी उन्होंने ये दिया हुआ है फेसबुक टी शर्ट, हम यहाँ पे जो इमेज का लिंक हमने कॉपी किया था हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आ गया। अब ये पीछे लिंक है, लिंक क्या है, ये हमारा यू बाय फॉर मी डॉट कॉम, ये हमारा डोमेन है, आगे कलेक्शन है और ये ऑल, इसको हम
कॉपी कर लेते हैं, जिसको हम ये जो इधर इन्होंने दिया हुआ है ये फेसबुक लिंक, इधर हम इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। पीछे हम यहाँ पे लिख देते हैं एट द जैकेट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेशक एज इट इज रहने दे, इन स्टॉक न्यू कंडीशन ओके। इसकी प्राइस हम कर देते हैं जी, ये प्राइस है $100, ठीक है जी। ये आ गया। अब इसके अंदर हम एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे, बाकी जो जो चीजें हमारी रिक्वायर्ड थी वो हमने लिख ली। ब्रांड में फेसबुक यहाँ पे लिख लें यू बाय फॉर मी, ठीक है। बाकी ऑप्शनल चीजें एज इट इज रहने दें। हम दोबारा अपनी साइट पे जाएंगे, हमने पहले ये कॉपी किया था, अब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको कॉपी इमेज एड्रेस यू कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, लिंक हमारा एज इट इज, ऑप्शन एक होती है कंट्रोल डी, ये कर देंगे। और इसकी प्राइस भी हम, इसकी प्राइस हम रखते हैं जी BF2, और इसको हम कर लेते हैं फॉर द सेक $5 कर देते हैं। ये भी हमारी कंडीशन न्यू है, ओके कर दिया। इन स्टॉक है, ये भी एज इट इज रहने दें। यहाँ पे लिख लेते हैं कैप्स, और पीछे जो आईडी है वो हम 1 कर लेते हैं। जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने दे दी। ब्रांड हम यू बाय फॉर मी कर लेते हैं, बाकी यू ऑप्शनल पे यू सिलेक्ट करें सबको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से बंद किया, हम चले गए अपनी यहीं पे, यहाँ पे आ गया जी हम अपनी डाटा फिल्टर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे। ये हमारी कैटलॉग 3 थी, इसको हमने क्लिक किया, ये हमारे डाउनलोड के अंदर कैटलॉग 3 हमने डाउनलोड की थी, ओपन किया, इसको थोड़ा सा रीड कर रहा है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा वो कह रहा है कि आपने ऑलरेडी एक पहले भी किया था, ओके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसका वो करेंसी पूछ रहा है और कैटलॉग का नेम पूछ रहा है, ओके जी अपलोड करो, या इसको थोड़ा सा टाइम लेगा इसको अपलोड करेगा। ये देखें जी, ये दोनों जो हमने अपने डेटा फीड के अंदर ऐड किए थे दोनों हमारे डिस्प्ले हो। इस तरह हम अपने डेटा फीड के अंदर एक से ज्यादा 2, 3, 4, 10, 50, 100 प्रोडक्ट्स को अपनी ऐड करके यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। इस डेटा फीड के अंदर जो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने पहले भी बताई थी, ये एक है इमेज लिंक, ये हमने इसको इंतहाई क्लीनली देखना है। देन जो हमारा लिंक है वो हमने उसको देखना है, बाकी जितनी ऑप्शनल चीजें हैं वो एज इट इज आप रहने दें या उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीजों को आप जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली उसको ऐड करें। इस तरह ऐड करने से हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी हाँ। तो नेक्स्ट हम जो फेसबुक की कैटलॉग की टाइप्स हैं उसमें से हम काम करेंगे ट्रैवल, क्योंकि हम ट्रैवल की जो कैटलॉग है उसको क्रिएट करेंगे। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, होटल, फ्लाइट्स एंड डेस्टिनेशन। होटल से मुराद अगर आप रूम की रिजर्वेशन चाहते हैं या अदर की सर्विसेज हैं, हम कैटलॉग जो है वो बनाएंगे। कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे हम देखते हैं। होटल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हमारा सबसे पहले जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उसका नाम आ जाएगा, देन कैटलॉग नेम बाय डिफॉल्ट उसने ये दिया हुआ है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। देन हम क्रिएट करेंगे, ये हमारी कैटलॉग क्रिएट होगी। कैटलॉग क्रिएट हुई, अब हम इसमें अपनी प्रोडक्ट, जो भी हमारी प्रोडक्ट हम सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड आइटम पे जाएंगे, उसके बाद ये उसने डायरेक्ट हमें डाटा फीड पे लिया है। पहले हमारे पास 2-3 अदर ऑप्शन आती थी जो पीछे हमने ई कॉमर्स कैटलॉग में देखा, जब हम इसमें ट्रेवल में आए इसने हमें डायरेक्ट डाटा फीड पे लिया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमने नेक्स्ट किया, अब उसने हमें ऑप्शन दे दी कि यूज ए URL और गूगल शीट, हम करेंगे लोड फ्रॉम कंप्यूटर। इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, CSV फाइल में भी कर सकते हैं और XML में भी, हम CSV फाइल में इसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारा इसने जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड कर दिया, इसको हम देख, ये जी उसने टेम्पलेट हमारे सामने लिया है। फर्स्ट ऑप्शन होटल ID रिक्वायर है, इस जो फील्ड उसको रिक्वायर होंगी उसके साथ उसने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। होटल ID रिक्वायर्ड है, नेम रिक्वायर्ड है, ब्रांड रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एड्रेस 1 रिक्वायर्ड है, सिटी रिक्वायर्ड है, कंट्री रिक्वायर्ड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और नेबरहुड ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद इमेज रिक्वायर्ड है, ये भी इमेज यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये आगे ऑप्शनल है, ये हमने इसको सेव किया, हमने इसको सेव किया और यहाँ से हम इसको कैटलॉग को अपलोड करेंगे। ये थी हमारी होटल कैटलॉग 1, इसको हम ओपन करेंगे, देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और ये अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट करेंसी उसने ये US डॉलर दी हुई है। अब ये इसको अपलोड करेगा। एक तो हम इस तरह देखेंगे जो इसने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट दिया है, फिर उसके बाद हम उस टेम्पलेट को अपने मुताबिक करके भी देखेंगे, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस कॉमर्स कैटलॉग के अंदर किया है कि हमने टेम्पलेट को डाउनलोड किया और फिर इसको अपलोड किया और फिर दोबारा उस टेम्पलेट को उसमें उसको अपने मुताबिक हमने उसमें अमेंडमेंट्स की और फिर दोबारा उसको अपलोड किया। इसमें भी हम इसको फर्स्ट बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद हम उस टेम्पलेट में चेंजेस करके दोबारा से उसको अपलोड करेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए कि हमने टेम्पलेट को डाउनलोड कैसे करना है और अपलोड कैसे करना है, फिर उसको अमेंड करके कैसे अपलोड करना है हमने। ये आ गया जी, जो भी हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया था और दोबारा से हमने उसको अपलोड किया तो ये हमारी आइटम ऐड होगी। अब हम इस टेम्पलेट को अपने मुताबिक हम चेंज करेंगे
और फिर उसको अपलोड करेंगे। ये आ गया जी टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड किया था। अब हम होटल जो है होटल सिलेक्ट करते हैं और में पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी होटल है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जो ये रो है एज इट इज रहने देते हैं ताकि इसको देख के हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनपुट दे सके। हम कहते हैं हमारा आईडी यही है होटल आईडी, नेम हम यहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल कर लेते हैं, ब्रांड एज इट इज इसको ब्रांड लिख लेते हैं, एड्रेस इसका जो है वो हम कॉपी करते हैं। इसके एड्रेस के लिए हम गूगल पे आए और यहाँ पे हमने लिखा पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गया, ये इसका एड्रेस है जी। यहाँ से हम इसके एड्रेस को कॉपी करेंगे यहाँ तक, कंट्रोल सी करेंगे, हम अपनी डेटा फील्ड वाली फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। आगे उसने एड्रेस सिटी जो है हम साथ फॉन्ट भी इसका चेंज कर लेंगे, ब्लैक करेंगे और इसका फॉन्ट करेंगे 11, ये इसके मुताबिक हो गया। ये हमारा फॉन्ट था 11 कैलबरी, तो भी 11 कैलबरी सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें इनपुट देने में प्रॉब्लम ना आए। सिटी हम लिखेंगे लाहौर, कंट्री हम लिखेंगे पाकिस्तान, उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। ये हम कहाँ से देंगे, इसको भी हम गूगल से सर्च करेंगे। हम गूगल में गए, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये हमने किया, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किया तो यहाँ पे हम ये जाके कंट्रोल बी कर देंगे, तो हम करेंगे जी 11 कैलबरी सिलेक्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं है लेकिन मैं एक सिमेट्री कायम करने के लिए इसको कर रहा हूँ। इसी तरह हमारा लॉन्गिट्यूड जो है 74 है, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी कर दिया यहाँ पे, देन अगेन इसका 11 करेंगे और कैलबरी इसका फॉन्ट है ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद नेबरहुड दोबारा गूगल में जाएंगे, उसके लिए हम दोबारा गूगल में आए, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये हम पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल इसको सिलेक्ट करेंगे, ये नियर बाय होटल के लिख लेंगे, ये इसने सिलेक्ट कर दिया, ये लिखा हुआ है पटियाला हाउस, हम इसको अपने उधर शीट में जाके पटियाला हाउस लिख देंगे, TAIKLA पटियाला हाउस। नेक्स्ट वो हमसे कह रहे हैं कि इमेज यहाँ पे अपलोड करें, अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है नो फील्ड कमेंट स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड, ठीक है जी। इमेज दिया हुआ है, ये जिम लिखा हुआ है, इसको भी हम एज इट इज GYM कर देंगे, ठीक है। बाकी जितनी ऑप्शन है उसको चाहे तो वो ऑप्शन है उसको हम छोड़ देंगे, ये ऊपर वाली ऑप्शन जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ये डिलीट हो गया, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव हम फेसबुक कैटलॉग की ट्रैवलिंग कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट ट्रैवलिंग के अंदर इस कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे, वो है फ्लाइट का। हम फ्लाइट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इन रूटीन जो हमारा नाम आ रहा है फैशन वर्ड, ये हमारा बिजनेस अकाउंट मैनेजर का नाम है और जो हमारा बिजनेस अकाउंट है ये उसका नेम है, देन कैटलॉग नेम आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज ए फाइल विद एन एग्जिस्टिंग फ्लाइट फील्ड एंड सेकंड इज यूज इवेंट एक्टिविटी टू क्रिएट ए फ्लाइट। हम पहले पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कैटलॉग करेंगे, हमने क्लिक किया और टू कैटलॉग, अब हमारी कैटलॉग जो है ये क्रिएट होगी। अब इसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स या जो भी हमारी सर्विसेज हैं हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और डाउनलोड टेम्पलेट कर लेते हैं, CSV फाइल में करेंगे टेम्पलेट और ये हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। ये है जी वो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ, इसमें चार चीजें रिक्वायर्ड हैं, बाकी तमाम ऑप्शनल है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है, ओरिजिन एयरपोर्ट है, इमेज है और आगे सेकेंड इमेज है। इसको हम सेव करेंगे और देन हम जाएंगे अपने यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस फाइल को कैटलॉग फ्लाइट 1 को हम से अपलोड करेंगे। अभी क्लिक किया, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेम हम हमसे पूछा है, हम एज इट इज बाय डिफॉल्ट जो नेम आया वही नेम इसको देंगे, फिर हम अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे ये डाटा को गैदर करने के लिए चला जाएगा और ये काम करेगा। ये जी उसने जो हमने डाटा फीड के अंदर दिया था उसके मुताबिक उसने इसको अपलोड कर दिया। इसको हम क्लिक करते हैं, ये उसने साइट भी ओपन कर दी जो हमने अपने डाटा फीड के अंदर दी थी। फेसबुक की जो कैटलॉग टाइप्स है उनमें से जो थर्ड टाइप है वो रियल एस्टेट है। हम रियल एस्टेट की कैटलॉग जो है वो क्रिएट करेंगे, हमने रियल एस्टेट पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट करेंगे। ये कैटलॉग का नेम और ये ऊपर है बिजनेस मैनेजर अकाउंट वो आएगा, नीचे उसका नाम आएगा कैटलॉग नेम, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, तो एज इट इज रहने देंगे जो बाय डिफॉल्ट उसने दिया है। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वो हमारी कैटलॉग, ये हमारी कैटलॉग क्रिएट होगी। कैटलॉग क्रिएट होने के बाद हमें वो अपने डैशबोर्ड पे ले आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि उसमें हम अपनी आइटम को ऐड आइटम करेंगे, देन ये उसकी दो ऑप्शन आ जाएंगी, यूज ए यूआरएल और गूगल शीट और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। हम अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे तो सबसे पहले उसका टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। CSV फाइल में हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया,
ये उसका टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, हम इस टेम्पलेट को ओपन करेंगे, ये उसने चीजें रिक्वायर की हैं, जहाँ पे रिक्वायर लिखा हुआ है, ये चीजें मस्ट हमने उसमें ऐड करनी है और देन हमने इसको अपलोड करना है। सेव करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये आ गया कैटलॉग, फॉर्म लिस्ट बंद करेंगे और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट किया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब ये हमारा डाटा जो है डाटा फीड से अपलोड करेगा हमारी कैटलॉग के अंदर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वर्किंग करने दे। पहले फेसबुक में, अब तो इस मोस्टली इसकी चीजें डाटा फीड के अंदर आ गई हैं। पहले वो फॉर्म देता था कि ये फॉर्म फिल करें या आप टेम्पलेट के लिए चले जाएं, लेकिन अब मोस्टली तकरीबन काफी ज्यादा उसने टोटल टेम्पलेट में लेके आ गए हुए हैं। तो ये उसने हमारी आइटम जो हमारी रियल इस्टेट से रिलेटेड थी, उसने जो डाटा फीड टेम्पलेट था उसने उठा के सेव कर दिया। इसी तरह जिस तरह हमने रियल स्टेट किया है, इसी तरह हम ऑटो का भी करके देख लेते हैं। ये ऑटो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये हमारे अकाउंट का नेम, देन कैटलॉग नेम, इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ से ये कैटलॉग हमारी क्रिएट हो जाएगी। हम व्यू कैटलॉग में जाएंगे और फिर आइटम उसकी ऐड करेंगे। हम डैशबोर्ड पे आगे, ये हम आइटम्स पे आगे ऐड आइटम करेंगे। यहाँ भी देखें, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस थोड़ा पहले बताया कि फेसबुक मोस्टली अब इसको टेम्पलेट्स में ले आया हुआ है, हम इसको यूज करेंगे, यूज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। सीएसवी फाइल में हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो टेम्पलेट उन्होंने डाउनलोड किया है कैटलॉग व्हीकल ऑफर, ये हम ओपन करेंगे और इसको नेक्स्ट करके इसकी भी हम कैटलॉग जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट किया, ये आ गया, अपलोड कर दिया, ये इसको अब सेव करेगा। यहाँ तो ये आ गया हमारा ऑटोस का, जो हमने डेटा फीड किया था डेटा फीड से कम्प्लीट होकर यहाँ पे आ गया। ये था जी आज का लेक्चर कि हम फेसबुक के ऊपर अपनी कैटलॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में से आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर में से 1% भी सीखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।